चलिए बेटा क्वेश्चन लिखो। अ बॉल रोल्स ऑफ टॉप ऑफ अ स्टेयरवे। अ बॉल रोल्स ऑफ टॉप ऑफ अ विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड। विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड। ठीक है। If the steps are h meter high and b meters wide, समझ रहे हो? ये stairway है। If the steps are h meter high and b meter wide, समझता है? Yes, sir. Ball rolls off instant velocity u, ये question है, yes. ठीक है? The ball will just hit the edge of the nth step. The ball will just hit the edge of the nth step if n equals 2. देखो बेटा ये बोला गया है। You go first, you go second. इतना बड़ा सा ना सब बोलता हूँ ना। Suppose ये ऐसे ऐसे तो ये है nth. ठीक है? तब मांझी ball roll off हो गई. तो ball पता कैसे गिरनी चाहिए? ऐसे देखो। ये इट विल हिट द एज ऑफ द एन स्टेप इफ एन इक्वल्स टू। शाबाश। हाइट है एच, बी है ये विड्थ। बताओ बेटा क्या होगा? इफ एन इज इक्वल टू, ये आपको ढूंढना है ना। चॉइसेस में लिख रहा हूं एच यू स्क्वायर बाय जी बी स्क्वायर। दूसरा u स्क्वायर g बाय जी बी स्क्वायर। तीसरा ट्वाइस h u स्क्वायर बाय जी बी स्क्वायर। एंड चौथा ट्वाइस u स्क्वायर g बाय एच बी स्क्वायर। अगर यहाँ से रोल ऑफ हो गया, यहाँ से स्टार्ट होगा ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 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 क्या शिमसू एग्जैक्ट, ये तो रेंज हो गया ना, ये तो रेंज होना चाहिए। एंड यू नो दैट बेटा रेंज किसके बराबर होता है? चौकोर या बहक बनित। सपोज को हम डायरेक्टली रेंज की एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। रेंज कितना होता है? शाबाश जरा बताओ। यू स्क्वायर रूट टू एच बाई जी। चुना यू तो हमें पता है, एच नहीं हमें पता मत, लेकिन हमें पता है। पता कैसे? हाँ एक है एच। जिकस गए थे, किकस गए थे, किकस गए थे। इन जनरल बताए इनका वैल्यू निकालना है। रेंज कितना? अच्छा अब रेंज कितना है वो बताओ। रेंज है कितना? हाँ एन बी छुना। तो एन बी इज इक्वल टू शाबाश यू स्क्वायर रूट ट्वाइस एन एच बाय जी। ये तो है डायरेक्टली है। वहां अगर इंडिविजुअली पढ़ना होते तो लाइक टाइम तब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एन स्क्वायर बाय इज इक्वल टू ट्वाइस एन एच बाय एन ही निकालना है ना। ये गया इसके साथ तो एन निकल गया, विच इंप्लाइज एन इज इक्वल टू 1 जल्दी ट्वाइस यू स्क्वायर एच बाई जी बी स्क्वायर। इसे चॉइस ट्वाइस यू स्क्वायर एच बाई जी बी स्क्वायर। ठीक है, आसान था। परेशान हो जाता इंसान बोल। द थिंग इज अगर पढ़ा है तो कोई मसला नहीं, नहीं पढ़ा है तब मसला। ठीक है, कल का क्वेश्चन जो हमने लास्ट पे किया है उसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो प्लीज चेक करना कल के वीडियो में। बाकी उसका कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, चले बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे। ठीक है, क्वेश्चन इज एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, The punchy, a ball rolls off top of a stairway with horizontal velocity u.
सेम क्वेश्चन काइंड ऑफ अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयरवे विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू ठीक है फुल स्टॉप द स्टेप्स आर 0.2 मीटर हाई द स्टेप्स आर स्टेप्स 0.2 मीटर हाई यानी कि एच दिया गया है ना एंड 0.2 मीटर वाइड यानी कि इस क्वेश्चन के एतबार से बी भी दिया गया है ठीक है द बंची व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी यू सो दैट द बॉल जस्ट हिट्स द स्टेप फोर्थ ऑफ द स्टेयरवे एन कितना है फिर एग्जैक्टली द बंची यू निकालो यही तो है एक्चुअली यही तो सॉल्यूशन यही है ना तो तब क्या आएगा शाबाश बता दे फोर इंटू जी इंटू बी स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यू स्क्वायर हमें निकालना है एच 0.2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर है ना तो यू विल बी स्क्वायर रूट दिस खेल खत्म आज ना और यही वाली एक्सप्रेशन इसमें लगेगी लेकिन इसमें क्वेश्चन इसने उल्टा तरीके से पूछा एन का वैल्यू दिया समझ रहे चल बता दे फिर कितना आएगा हाँ हाँ आपको याद से यू गो वाई दस टू तो यू गो याद से तो यू आर 2 मीटर पर सेकंड तुम कितना आसान क्वेश्चन ठीक सर मगर इसका आंसर क्या है इसका आंसर नहीं है जी तो 10 ही लेना हमने कुछ गलत किया हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया फोर्थ स्टेयर वे फिर आप हिट्स द स्टेप फोर्थ ये एज की बात नहीं हो रही सॉरी आपने क्या क्वेश्चन लिखा था अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेयरवे विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू स्टेप्स आर 0.2 मीटर हाई एंड 0.2 मीटर वाइड What should be the minimum velocity u so that kya? So that it just hits the step fourth of the stairway. Step fourth of the stairway. अच्छा इस वक्त ये fourth इसको मान रहे हैं डायग्राम में fourth उल्टा दिखा है अब जो हमने first ये माना ना इसने first इसी को माना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फोर्थ इसके लिए बन गया लेकिन वो बन गया ना फिर n माइनस वन हमारे लिए समझ रहे हो यानी कि n के बदले n माइनस वन छोड़ दो हम इसको सिंपली को हम इसको अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपने क्या किया आप मुझे बताओ आपने क्या क्वेश्चन लिखा आप लिखो क्वेश्चन जो मैं बोलूंगा सो दैट इट हिट्स द एज ऑफ द फोर्थ ठीक है तो आंसर फिर ये हमारा सही है 2 मीटर पर सेकेंड ठीक है इसने डायग्राम अलग तरीके से दी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में अलग तरीके से किया ठीक है हजरत एक और क्वेश्चन लिखो खराब अगर आप आते हो वहां से तो बसू से का लिए 1,00,000 ठीक है मुझे नहीं पता कितने का देगा मगर एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखो बेटा द बंशी अ बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड अ बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल At an angle of 30 above the 30 degree 30 above the from the top of a cliff of height 60 meters of height 60 meters अच्छा ठीक ठीक है ना the one you find the maximum height reached by the ball above the point of projection Find the maximum height reached by the ball above the point of projection.
फक से जिगर, समझ आ गया क्वेश्चन। हालांकि हॉरिजॉन्टल वाला केस नहीं है, ये किसी किसी हाइट क्या है इसकी 60 मीटर। अच्छा, एक बॉल यहाँ से फेंकी गई एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ऐसे जाएगा है ना 30 डिग्री विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे गया तो ऑब्वियसली ऐसे आएगा ना जमीन पे। ये केस अभी हमने नहीं पढ़ा है, अभी हमें पढ़ना है ठीक है। तो हमें बहुत सारी चीजें निकालनी होगी, हमें निकालना होगा हाइट कितना होगा, हमें निकालना होगा ये रेंज कितना कवर करेगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, टाइम कितना लगेगा इसको, वो चीज हमें निकालनी होगा, हमें वो नहीं किया। लेकिन ये क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने सिंपल प्रोजेक्टाइल पढ़ा। हाइट 60 मीटर को छोड़ दे, आपको बोल रहा है अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये हाइट निकालनी है। तो वो तो पढ़ा है ना हमने, व्हाट इज द एक्स हाइट शाबाश, हाँ इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g है ना, यू स्क्वायर वो 40 स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है 30 डिग्री है ना, डिवाइड बाय 20 है ना ठीक। तो आएगा 1600 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 30 होता है 1/2, उसका स्क्वायर हो गया 1/4 ठीक है ना, 4 to 80 ठीक है। ये गया इसके साथ 81r 82r, तो हाइट इज 20 मीटर, तो यानी कि 20 मीटर की हाइट पे जाएगा अबव दिस ठीक है। वुड यू बिलीव, हमने ये केस पढ़ा नहीं है बट यू कैन स्टिल कैलकुलेट द टाइम, कितने टाइम के बाद ये सपोज क्वेश्चन पूछता ये इधर आएगा सी पे ठीक, बताओ कितने टाइम के बाद ये सी पे होगा, क्या आप कर सकते हैं? आसान है यार, बहुत आसान, समझना मेरी बात, मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, आई एम क्लबिंग द मोशन ऑफ द ग्रेविटी विद दिस, अच्छे समझ। मैक्सिमम हाइट कितनी 20 मीटर, तो कितना टाइम के बाद बंदा टॉप पे होगा, पढ़ा तो है यू बाई जी पढ़ा है, द टाइम आफ्टर विच द बंदा विल बी टॉप इफ यू आर गिविंग सम इनिशियल वेलोसिटी यू, पढ़ा था ना। लेकिन इस वक्त यू तो नहीं दिया ना, इस वक्त क्या दिया, ऊपर जाने की क्षमता किसके पास है, यू साइन थीटा के पास। अच्छा, तो यू साइन थीटा इसको ऊपर लेके जा रहा है, यू साइन थीटा इसको 20 मीटर कवर करा रहा है, तो कितने टाइम के बाद बेटा ये यहां पे होगा से पॉइंट एक्स पे, टाइम इज गिवन बाय यू वाई बाय जी, पढ़ा तो था तो बताओ कितना है, यू साइन थीटा अपॉन जी ना, यू कितना है 40, साइन थीटा कितना 1/2, जी कितना 10, तो 2 सेकंड के बाद टॉप पे होगा, टॉप पे होगा। अब कार्डन हेज क्यों जैसे क्या टॉप पे वो बोन वसान, बोन क्या इशू हुआ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बोन वसना, सो ये फ्री फॉल बन गया ना। तो कितने टाइम के बाद बंदा किसी हाइट से नीचे आता, स्क्वायर रूट 2h/g, पढ़ा तो है स्क्वायर रूट 2h/g, अच्छा स्क्वायर रूट, हाँ 2, व्हाट इज द हाइट जिसे नीचे आएगा 20 80, क्योंकि 80 से नीचे आएगा ना, जितने टाइम में यहां से यहां आएगा उतने ही टाइम में नीचे भी आ रहा है फ्री फॉल की वजह से, समझ रहे हैं? तो कितना देगा, हाँ बता 80 दिखा कितना, हाँ। तो बता 80 80 80, तो ट्वाइस एच के बदले 80 लिखेंगे डिवाइड बाय जी, दिस एंड दिस विल गो 16 का रूट होता है 4, अच्छा आसान 4 सेकंड लगाने में ये बैठे योर काम मत क्लियर, अच्छा खास मस्त लगने 2 सेकंड, टोटल टाइम कितना 6 सेकंड, दिस इज द टाइम ऑफ लाइट निकला। अभी हमने ये केस नहीं पढ़ा है प्रोजेक्टाइल, क्वेश्चन से हम सारी चीजें निकाल रहे हैं, 6 सेकंड के बाद बंदा सी पे आएगा, आएगा देखा एक और चीज, व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द रेंज, एंड कैन यू टेल मी व्हाट विल द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, एग्जैक्टली इट विल बी अगेन 40, समझ रहे हैं? अब देख एक और तरीका, रेंज निकालने का भी तरीका है, रेंज निकालने का भी तरीका, बहावे से कॉन्सेप्ट जिगर मेरे, मैंने इसको कितनी स्पीड दी थी 40 दी थी कि नहीं, 40 दी थी, 40 में से एक कंपोनेंट है यू कॉस थीटा, जो इसको बोल रहा है चल आगे चल आगे, वही तो इसका रेंज है। कितने टाइम के बाद रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वेलोसिटी इनटू टाइम निकलेगा, निकलेगा दूसरे तरीके से, भाई मेरे मुझे बता कितने टाइम के बाद टॉप पे पहुंचा, 2 सेकंड के बाद है ना, तो 2 सेकंड के बाद समझना मैं इसको कैसे तोड़ रहा हूं, 2 सेकंड के बाद बंदा टॉप पे आया, तो 2 सेकंड में इसने मैंने क्या बोला,
بوسن کوتا تھام ووتمت اس گونا کیا تھام پاز سوری فار دیٹ میں ریپیٹ کر رہا ہوں بجو زبان زہ طریق چھ رینج کرنے کا اگو یہ حضرت یو کوس تھیٹا نے اس کو اگے لیا کتنے ٹائم کے لیے لیا 6 سیکنڈ تو کر دے یو کوس تھیٹا کو 6 ملٹی پلائی اور نکلے گا چل نکال ذرا بتا کتنا آئے گا یو کوس تھیٹا کتنا یو کتنا یو 40 کوس تھیٹا کتنا روٹ 3 بائی 2 تو جو ٹین دس فیل ہاں انٹو ٹائم ہے 6 ہے نا 2 1 ہے 2 3 ہے 3 120 तो इट इज 120 रूट 3 मीटर्स खेल खत्म कितना छोटा हमने नहीं पढ़ा है ये केस अभी प्रोजेक्टाइल पे जिसको किसी हाइट से किसी एंगल पे फेंका हमने जीरो पे फेंका वो फेंका गया लेकिन तू देख क्वेश्चंस की वजह से हम कितने आगे चल रहे हैं देख अब दूसरी चीज यार मेरे ये एक्स पहुंच रहा है आफ्टर 2 सेकंड्स दो सेकंड ऊपर नहीं हुआ था हिल के ऐ मतलब गोवा हजरत एम एस इवन दो सेकंड ये पेट योर तम डिस्टेंस के कवर कर سو کتا ہے سن کرمچ یو کوس تھیٹا انٹو ٹی ہوگا یو کوس تھیٹا کتنا 40 انٹو روٹ 3 بائی 2 انٹو 2 دس اینڈ دس کو کتنا 40 روٹ 3 تو 40 روٹ 3 کتنا ہے اتنا ہے کہ نہیں ایک اور چیز اب ذرا یہاں دیکھ قسم چھی تو اس کو ٹریٹ کر سکتا ہے ہورائزنٹل پروجیکٹ ہے یہاں سے ایک باڈی کو پھینکا گیا ود اے سپیڈ آف یو کوس تھیٹا ہورائزنٹلی है ना कितने सेकंड के बाद नीचे आता है किस कितनी हाइट से नीचे आ गया तो ये तो यहां से लेकर यहां तक उसका रेंज बन गया वो रेंज कितना कल ही पड़ा यू स्क्वायर रूट अच्छा कितना यू कूदा शास्त्री यू कॉस थीटा वो कितना है 40 रूट 3 है ना इंटू स्क्वायर रूट ट्वाइस एच ना मगर कैस 680 अच्छा 60 प्लस 20 40 रूट यू आर यू यू इज यू कॉस थीटा 40 root 3 by 2 40 square root 2h by g ठीक है ये गया इसके साथ आ गया 16 16 का square root 4 2 1 r 2 2 r 2 40 r 80 तो it is 80 root 3 ठीक which कैबिलियत 80 root 3 40 root 3 कितना ये के चिराट समझो जरा क्या हमने नहीं किया ना मतलब ईश्वरी क्वेश्चन देख के आपको दिमाग में कुछ भी जा सकता है अगर आप इसका सलूशन देखोगे हमने पढ़ा ही नहीं हमने कहा इक्वेशन पढ़ी गई परेशान हमने इक्वेशन कोई पढ़ी नहीं थी हमने पढ़ा है सिंपल मोशन ऑफ ग्रेविटी और हॉरिजॉन्टल मैंने जोड़ दिया खेल खाना तो ऐसे समझता ना इट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गो इनसाइड डीप कॉन्सेप्ट्स आपके बनेंगे मैं बनन नहीं किया शायद मुझे क्लिक भी नहीं होता आपको होना चाहिए क्योंकि आप प्रैक्टिस में हो समझ गए ठीक है एक और क्वेश्चन लिखो वो होमवर्क क्वेश्चन लिख ले A projectile is thrown horizontally from top of a tower. A projectile is thrown horizontally from the top of a tower and strikes the ground after 3 seconds. And strikes the ground after 3 seconds. At an angle of 45 degrees. At an angle of 45. With the horizontal. Oh, ye question samajhna. A projectile is thrown horizontally from the top of a tower. जब ये जाता है जमीन को हिट करने 45 पे हिट करता है समझ गया समझ यू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर द स्पीड विद विच इट वॉज प्रोजेक्टेड फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द स्पीड विद विच इट वॉज प्रोजेक्टेड क्लियर अच्छा आएगा करना आसान है एक और क्वेश्चन लिख टू टॉल बिल्डिंग्स लंबी बिल्डिंग्स दो लंबी बिल्डिंग्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर टू टॉल बिल्डिंग्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर ठीक है कैलकुलेट कैलकुलेट 200 मीटर हाँ यानी कि दो बिल्डिंग्स है 200 मीटर दूरी पर ठीक कैलकुलेट विद व्हाट स्पीड मस्ट बॉल
must a ball be shooted horizontally from the top of one of the tower, from the top of 550 meter high, so that it hits the other tower at a height at a 50 meters above the ground. 50 meters above the समझ गया कि नहीं? ठीक है, आई विल स्टॉप हियर, वीडियो क्लब करते हैं. थैंक यू सो मच. नोज बे हाउ बट